हेलो एवरीवन, तुम्हारे प्रत्येक सुविधार्थे आज के देखो चेन पास परीक्षार क्षेत्र जे पीडब्ल्यू जे तुम्हारे एक नोटिफिकेशन रिलीज होने कि बोला आप डायरेक्ट वेबसाइटे चले जाब डब्ल्यू बी जे ई लिखब टाइप करब ए टाइप करारे मेन वेबसाइटे चले जाब वेबसाइटे गए जखने देखते पा एखे क्योंकि तुम्हारे स्पष्ट कर मेन्शन करा आज देखो जेन पास यूजी ओके बा डायरेक्ट तुम एखे नोटिफिकेशन तुम देखते पारो ओके तो हमें एखे एक क्लिक करब ए जखनी हमें क्लिक करब तक और एक नतून उइन्डोज ओपेन हो जाए उइन्डोज जो तुम्हारे हो जाए तक ये स्क्रल करछे दुटो देखो द रेजल्ट अफ जेन पास यूजी हेज बीन पब्लिश ठीक है तो अवश्य पब्लिश कर देवा आछे तार आगे अवश्य हमें किन्तु फिजिकल भेरिफिकेशन अफ पीडब्ल्यूडी स्टैटास जेन पासर क्षेत्र देखब जरा पीडब्ल्यूडी कैटागरिर मध्ये रयेछे तादेर क्षेत्र ये नोटिफिकेशने कि बला हच्छे एवं एखाने रैंक कार्ड जरा तुम्हारा अलरेडी डाउन कर फेलेछो तो अवश्य हमें एखे एक क्लिक करब जखनी एक क्लिक करब तक ही क्योंकि देखो एक नतून उइन्डोज ओपेन हो गए जेखने स्पष्ट करूँ मेन्शन कर देवा रही है पुरो डिटेल्ट एखे की बला हे की करते हैं ठीक है इखने देखो जदिव आगे ये रिलीज करा कारो जी कन्फ्यूज अने के से सुविधार्थे क्योंकि भिडियो करी अने के सुविधा है जरा कमेंट कर फिजिकल वेरिफिकेशन अफ पीडब्ल्यूडी स्टैटस एखे कि बला हे देखो अल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मैं प्रत्येक कैंडिडेट के इनफर्म करा अफ जेन पास जरा अप्लाई कर हू हैव क्लेम्ड जरा क्लेम कर ठीक है पीडब्ल्यूडी स्टैटस फॉर रिजर्व्ड सीट अर्थात रिजर्व सीटर जो जरा क्लेम कर पीडब्ल्यूडी जो रिजर्व सीट रही है तरह जरा क्लेम कर द इनफरमेशन बुलेटिन जानने इनफरमेशन बुलेटिन स्पष्ट कर मेन्शन कर देवा रही है और हेयर बाय नोटिफाइड तादेरके जानानो होच्छे दैट जे दे मास्ट रिपोर्ट तारा तादेरके अवश्यई रिपोर्ट करते हबे कोथाय टू द आईपीजीएमईआर इन एसएसकेएम हॉस्पिटल कोलकाता अवश्य तादेरके एकटा रिपोर्ट करते हबे ऑन एंड फ्रॉम 7th अगस्ट अर्थात आज के जे आमी भिडियोटा करछि तार आगेर दिनई किन्तु अलरेडी अनेके रिपोर्ट कर 7 থেকে 12 तारीख पर्यंत तुम्हारे रिपोर्ट चलो कार कौन रिपोर्ट करते हैं से पीडिएफे देवा रही है शार्पलि एट 10:30 AM अर्थात 10টার समय কিন্তু 10:30টার समय তাদেরকে अवश्य 7 থেকে 12 तारीख मध्य रिपोर्ट करते हैं कार कौन रिपोर्ट करते हैं से अवश्य पीडिएफे रही है एज पर द शिड्यूल गिवेन बिलो जो शिड्यूल्ट रही है गिवेन बिलो दे फर भेरिफिकेशन अफ देयर क्लेम पीडब्ल्यूडी स्टैटस क्लियर जरा क्लेम कर तर नाम कौन क्यों जो अवश्य क्योंकि देवा रही है ओके द एलोकेशन अफ पीडब्ल्यूडी सीट टू ए पार्टिकुलर कैंडिडेट उइल बी जस्टिफाइड एंड कन्फार्म अपन भेरिफिकेशन अफ द जेनुइननेस ओके अफ द कैंडिडेट क्लेम फर डिजेबिलिटी एक्सक्लूसिवली बाय आईपीजीएमईआर एसएसकेएम कोलकाता एंड सबसिक्वेंट रिपोर्ट प्रोवाइडेड by them clear candidates who do not participate in the verification process will not be considered as contenders for the pwd reservation status clear mane ta clear hoyeche jodi kono candidate do not participate in the verification process jodi verification process e participate na kore will not be considered as contender for the PWD reservation status. Clear हुए चे? ताहले तादर के reservation PWD status से तादर के selected करा हबे ना. Moreover, the verification is performed only once. Clear? एक बारे तादर के एकाने verification perform करते दा हबे. Those who fail to appear on the specified date. अर्थात एक एक डेटर जो एक एक जन के किन्तु बला रही है ठीक है तो से स्पेसिफिक डेटे फर भेरिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल फर एनादार चान्स ओके तो तादर के आर कोनो एनादार चान्स देवा हबे ना विल नेवर बी कन्सिडार एज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट क्लियर हो तर के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हिसाब से किन्तु कन्सिडार करा हबे ना एटा स्पष्ट करे किन्तु मेन्शन करा देवा रही है एप्लिकैंट मस्ट ब्रिंग एवं प्रत्येक पीडब्ल्यूडी एप्लिकैंट के बला हे अवश्य मस्ट ब्रिंग माने नहीं आसते हबे द ओरिजिनल अफ एवरी रिलेवेंट डकुमेंट अर्थात जो धरण डकुमेंट से सबमिट कर सब धरण ओरिजिनल डकुमेंट ताके अवश्य प्रत्येक कैंडिडेट के नहीं आसते हबे एंड रिपोर्ट टू द फलोइंग डेजिगनेटेड अथॉरिटी एट द स्पेसिफिक टाइम एंड टेबल सॉरी टाइम एंड डेट ठीक है
তো সেই প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিক্যান্টকে অরিজিনাল ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে হবে, রিলেভেন্ট ডকুমেন্ট। এবং রিলেভেন্ট ডকুমেন্ট বলতে তোমরা যে যে ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করেছিলে সেই সমস্ত ডকুমেন্ট তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। কোথায়? এখানে বলা আছে ফলোয়িং ডেজিগনেটেড অ্যাথরিটি অ্যাট দ্য স্পেসিফিক টাইম অ্যান্ড ডেট, অর্থাৎ তোমাদের স্পেসিফিক টাইম অ্যান্ড ডেট যে রয়েছে সেখানে কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। ক্লিয়ার? এখানে দেখো প্রত্যেকটা লিস্ট দেওয়া রয়েছে কার কখন যেতে হবে। প্রিয়া বানকা এরকম অনেক রয়েছে যাদের 7-8 যেতে হবে, এবং আরও পরে আছে দেখো এগুলো রয়েছে কত, তানিসা সরকার এগুলো রয়েছে 8-8। এইভাবে 7 থেকে শুরু হয়েছে এবং সেটা 12 তারিখ পর্যন্ত চলবে। দেখো 9 কাদের কাদের নাম আছে এখানে কিন্তু মেনশন করা আছে, ওকে। 10-এ কাদের নাম আছে এবং 11-তে কাদের নাম আছে, 12-তে কাদের নাম আছে এখানে কিন্তু স্পষ্ট করে মেনশন করে দেওয়া রয়েছে। তাহলে 196 জন কিন্তু এখানে সিরিয়ালে রয়েছে। অবশ্যই তোমরা তোমাদের সময় মতো কিন্তু অবশ্যই রিচ হয়ে যাবে, আর তা না হলে কিন্তু অনেকে প্রবলেম হবে। ধরে নাও আমি একটা কথা বলি, ধরো তোমার 12 তারিখ আছে তাই না, ধরে নাও যে কোন একটা ক্যান্ডিডেট 12 তারিখ আছে কিন্তু তাকে একদিন আগেই পৌঁছানো একদম ম্যান্ডেটরি, অবশ্যই দরকার। কেন বলো তো? কারণ কিছু প্রবলেম হতে পারে, তো অবশ্যই তুমি একদিন আগে চলে যাবে, ওখানে রেস্ট করবে, আরামসে তুমি কিন্তু অবশ্যই রিপোর্ট করবে। আমি আবারও বলছি অবশ্যই তোমার প্রত্যেকটা অরিজিনাল ডকুমেন্ট কিন্তু নিয়ে যাবে। ক্লিয়ার? যদি তোমাদের এই ভিডিও ইনফরমেটিভ ভিডিওটা কাজে লাগে বা যদি তোমাদের হেল্প হয় অবশ্যই লাইক করবে। তোমরা অনেকে কমেন্ট করেছিলে বলে আমি এই ছোট্ট ভিডিওটা আমি শেয়ার করলাম। তো যারা আপকামিং পরীক্ষা অর্থাৎ 2024-এর জন্য প্রিপারেশন নিতে চাও জেনপাস জিএনএম এনএম এর ক্ষেত্রে, অবশ্যই অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটি অন করবে। এবং 2024-এর জন্য ক্লাস কিন্তু অলরেডি আমি পাবলিশ করতে শুরু করেছি, অবশ্যই ভালো করে ক্লাসগুলো দেখো। প্রত্যেকে ভালো থেকো, নিজের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। টেক কেয়ার।